गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं स्टीरियो केमिस्ट्री। अब तक हमने स्टीरियो केमिस्ट्री पढ़ी है, जैसे कि मैंने बताया था स्टीरियो केमिस्ट्री तो किसी मॉलिक्यूल की जैसे कि स्टीरियो केमिस्ट्री कैसे निकालनी है वो बताया था, लेकिन अब हमें पढ़ना है स्टीरियो केमिस्ट्री जो कि पूरी यूनिट है, ठीक है। तो स्टीरियो केमिस्ट्री हमें पढ़ना है। तो इससे पहले वीडियो में बात कर लिए हैं, दो यूनिट मैंने कवर की है, पहली है सॉलिड स्टेट और दूसरी पेरिसाइक्लिक रिएक्शन। ये दो वीडियो पर लेक्चर बना चुका हूँ। अब मैं तीसरा बनाने वाला हूँ स्टीरियो केमिस्ट्री। तो स्टीरियो केमिस्ट्री को मैं स्टार्ट करूँगा एकदम बेसिक लेवल से और इसको मैं लेकर जाऊँगा एकदम एडवांस लेवल तक। तो फिर मैं इसको बेसिक लेवल यानी कि बीएससी लेवल से स्टार्ट करता हूँ, ताकि अगर किसी को स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में कुछ भी ना पता हो तो वो ये वीडियो उसके लिए हेल्पफुल हो। चलिए तो इसे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टीरियो केमिस्ट्री का मतलब क्या है। जैसे कि स्टीरियो का मतलब होता है हमारा 3D, और केमिस्ट्री का मतलब आप जानते हैं। तो 3D में केमिस्ट्री हमें कैसे दिखेगी वो हमें यहाँ पर डिस्कस करना है। तो स्टीरियो केमिस्ट्री की 3D में हमें क्या पढ़ना है कि केमिस्ट्री हमारी 3D में कैसी है उसको हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले शुरुआत करेंगे हम इसकी डिफिनीशन से। तो इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी, मैं यहाँ पर लिखा हूँ उसको पढ़ देता हूँ। पहले द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट 3-dimensional शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल एंड द इफेक्ट ऑफ देयर शेप्स ऑन देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज इज नोन एज स्टीरियो केमिस्ट्री। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब यह है कि केमिस्ट्री द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री, केमिस्ट्री की वह ब्रांच जिसमें हम स्टडी करेंगे किसी भी मॉलिक्यूल की शेप के बारे में थ्री डायमेंशनल में किसी भी मॉलिक्यूल को हम स्टडी करेंगे और उसकी केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज उसके बारे में भी, तो उसी को कहेंगे हम स्टीरियो केमिस्ट्री। ये होगी स्टीरियो केमिस्ट्री की डिफिनेशन। जब आप थोड़ा सा MSc लेवल के स्टैंडर्ड जब पढ़ेंगे तो उसमें आएगा कन्फर्मेशनल एंड कॉन्फ़िगरेशनल। तो उसमें आएगा, उसकी जब डिफिनीशन आप देखेंगे तो उसमें आएगा आइसोमर एंड आइसोमेरिस। तो ये सब क्या है आइसोमर एंड आइसोमेरिस, इसको मैं यहाँ से बेसिक लेवल से क्लियर करते हुए चल रहा हूँ। अगर आपको आइसोमर एंड आइसोमेरिस पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता है तो पता चल जाएगा। अब हम देखते हैं आइसोमर एंड आइसोमेरिस। आइसोमर एंड आइसोमेरिस, तो जो हमारा स्टीरियो केमिस्ट्री का बेसिक पोर्शन है वो ज़्यादातर डिफिनीशन पर ही बेस है। तो आइसोमर एंड आइसोमेरिस की डिफिनीशन क्या हो जाएगी, आइसोमर किसे कहेंगे, दोज कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट प्रॉपर्टीज आर कॉल्ड आइसोमर एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज आइसोमेरिस। यानी कि स्ट्रक्चरल फार्मूला हमारा सेम हो, उसकी प्रॉपर्टीज डिफरेंट हो तो उसे हम कहेंगे आइसोमर, और इस घटना को, जो ये घटना हो रही है इसे हम कहेंगे आइसोमेरिस। तो ये हो जाएगा हमारा आइसोमर एंड आइसोमेरिस। इसको मैं एग्जांपल भी कराऊंगा, लेकिन इससे पहले इसकी टाइप्स बता दूं। इसकी टाइप्स में जब अंदर टाइप्स आप चलेंगे, जैसे कि मैं अभी कोई भी एग्जांपल ले लूँगा तो वो अंदर किसी ना किसी टाइप का होगा। जैसे कि अगर मैं नॉर्मल ब्यूटेन ले लूँ तो वहाँ पर C4H10 हो जाएगा और वो जाएगा हमारा किसी चेन आइसोमेरिस में। तो इससे पहले मैं इसकी पूरी टाइप्स बताऊँगा, टाइप्स बता रहा हूँ, फिर उसके बाद मैं एग्जांपल कराऊंगा तो वो हमारी आइसोमेरिस में होगी, उसके अंदर क्या होगा वो आप पता चलेगा। तो सबसे पहले मैं शुरू करता हूँ आइसोमर एंड आइसोमेरिस में हो गया। अब आइसोमेरिस का टाइप्स आप शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिस, तो आइसोमेरिस में कितनी तरह की होती है हमारी, दो तरह की होती है। होती है हमारी पहली स्ट्रक्चरल आइसोमेरिस, और दूसरी होती है हमारी स्टीरियो आइसोमेरिस। तो हमारे आइसोमेरिस में दो तरह की हो गई, स्ट्रक्चरल एंड स्टीरियो आइसोमेरिस। ये है नंबर टू। तो सबसे पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिस की हम डिफिनीशन देखते हैं। तो डिफिनीशन से ही सब कुछ, इसमें मैं पहले बताया कि बेसिक पोर्शन ज़्यादातर डिफिनीशन से ही रिलेटेड है। तो इसकी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिस की डिफिनीशन क्या हो जाएगी, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिस यानी कि इसमें कुछ स्ट्रक्चर की बात की जा रही है। तो इसकी डिफिनीशन हो जाएगी, अपने आइसोमर एंड आइसोमेरिस की डिफिनीशन देखिए, डिफिनीशन को मैं यहाँ पर शो कर दूँगा, ठीक है।
मैं आप पढ़ रहा हूँ, आप सुनिए। दोस कंपाउंड विच हैव सेम मालिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चरल आइसोमर में क्या होगा, उसका मालिकुलर फार्मूला सेम होगा बस, बट स्ट्रक्चरल आइसोमर उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिफरेंट होगा। दोस कंपाउंड विच हैव सेम मालिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर एंड दिस फेनोमेना इज नोन एज स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। जिस तरह से हमारी आइसोमर एंड आइसोमेरिज्म की डिफिनीशन हुई थी उसी के बेसिस पर इसी तरह से डिफिनीशन होती जाएंगी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमर की डिफिनीशन। हाँ, तो अब कहेंगे इसका भी एग्जांपल देकर समझाइए। स्ट्रक्चरल आइसोमर यानी कि उसमें कोई मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम हो लेकिन उसका स्ट्रक्चर अलग हो, तो फिर मैं इसको बताऊंगा। लेकिन अभी इसका भी थोड़ा टाइप देखना, थोड़ा सा और अंदर आ जाएं। तो मैं अब बात करूँ इसकी टाइप की, टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। ये हो गई अब इसकी टाइप। स्ट्रक्चरल आइसोमर हमारी होती है फॉलोइंग टाइप की, हम लिखेंगे यहाँ पर। ये होती है कई तरह की, जैसे कि मैं पांच तरह की यहाँ पर बताऊँगा। चलिए पहले पांचों लिख लेते हैं। नंबर वन, चेन आइसोमेरिज। नंबर टू पोजीशन आइसोमेरिज। नंबर तीन, फंक्शनल आइसोमेरिज। और नंबर चार क्या है, मेटामेरिज। और नंबर पांच, टॉटोमेरिज। और एक मैं पांच तरह का यहाँ पर बात करूँगा, ठीक है। मैं स्ट्रक्चरल आइसोमर यहाँ पर पांच तरह की बात करूँगा, चेन आइसोमेरिज, पोजीशन आइसोमेरिज, फंक्शनल आइसोमेरिज, मेटामेरिज एंड टॉटोमेरिज। एक और आप लिख सकते हैं यहाँ पर, रिंग चेन आइसोमेरिज। और इसके भी अभी बात करेंगे, पहले इधर ख़त्म कर लेते हैं। हाँ, अब चेन आइसोमेरिज, अब इसकी भी डिफिनीशन आएगी, चेन आइसोमेरिज। चलिए इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी चेन आइसोमेरिज में। स्ट्रक्चरल वाले में क्या डिफरेंट हुआ था, स्ट्रक्चर। चेन वाले में क्या डिफरेंट होगा, चेन, कार्बन की चेन, पेरेंट चेन, जो हमारी कार्बन की नंबरिंग करते हैं IUPAC नेम के लिए, हम पेरेंट चेन की नंबरिंग करते हैं, उसमें कार्बन की चेन डिफरेंट होगी। अब मैं इसको जब एग्जांपल बताऊंगा तब आप देखिएगा, पहले डिफिनीशन सुनिए। चेन आइसोमेरिज्म की डिफिनीशन, दोस कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट पेरेंट चेन, कार्बन की पेरेंट चेन बट डिफरेंट पेरेंट चेन आर कॉल्ड चेन आइसोमर एंड दिस फेनोमेना इज नोन एज चेन आइसोमेरिज्म। चलिए क्या कह रहा है, चेन आइसोमर में मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा बट उसकी पेरेंट चेन में डिफरेंट आएगा। चलिए इसका एग्जांपल लेते हैं। अब पेरेंट चेन, जैसे कि मैं ले लूँ यहाँ पे लिख लूँ मैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। और इधर स्ट्रक्चरल फार्मूला। स्ट्रक्चरल फार्मूला पहले लिखते हैं, CH3, CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, फिर उसके बाद CH3। तो यहाँ पर कार्बन कितने हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होगा हमारा, जितना कार्बन है उतना कार्बन लिख दो और जितना हाइड्रोजन उतना हाइड्रोजन लिख लो, वो हमारा हो जाएगा मॉलिक्यूलर फार्मूला। 1, 2, 3, 4, चार कार्बन है और हाइड्रोजन कितने हैं, 3, 2, 5, 2, 7, 3, 10। तो यह है हमारा क्या, अगर आप नंबरिंग करेंगे यहाँ से 1, 2, 3, 4, तो यहाँ पर पेरेंट चेन पर कार्बन कितने हैं, चार हैं। तो ये हमारा क्या है, नॉर्मल ब्यूटेन, चार है तो नॉर्मल ब्यूटेन है हमारा। नॉर्मल ब्यूटेन। तो अब क्या कह रहा है, इसकी डिफिनीशन के अकॉर्डिंग इसकी चेन में डिफरेंट आएगा, इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा लेकिन इसकी जो पेरेंट चेन है इसमें डिफरेंट होगा। तो चलिए इसमें थोड़ा सा डिफरेंट करते हैं। डिफरेंट कैसे होगा, ये हो गया पहला, इस CH3 को अगर हम, ये हमारा नॉर्मल ब्यूटेन, अब हमें बना दें आइसोब्यूटेन, इसको उठाकर यहाँ पर लगा दें,
ठीक है, एक दो तीन चार कार्बन मालिकुलर फार्मूला सेम है, तीन चार दो छः सात आठ नौ, यहाँ पर सी एच थ्री होगा ये वाला लास्ट वाला, तभी तो बैलेंस होगा, तीन तीन छः तीन तीन एक नौ और ये एक दस, हाइड्रोजन दस। मालिकुलर फार्मूला सेम है लेकिन इसका स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट है। ये हमारा नॉर्मल ब्यूटेन था और ये हो जाएगा हमारा आइसो ब्यूटेन। तो इसकी पैरेंट चेन में डिफरेंट आया। अगर आपने इसकी नंबरिंग 1 2 3 4 कार्बन की थी, अगर आप यहाँ से नंबरिंग करेंगे कहीं से भी करेंगे तो इसमें 1 2 सिर्फ 3 कार्बन आएगा, तो इसकी पैरेंट चेन में डिफरेंट आएगा। तो ये हो गया हमारा टाइप के अंदर, जो स्ट्रक्चरल के अंदर हमने किया ये है चेन आइसोमेरिज्म, लेकिन ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी है। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की डिफिनेशन क्या थी, उसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा बट स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, इसीलिए मैं पहले एग्जांपल नहीं बताया, अब बता रहा हूँ। मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट है, तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म। लेकिन अब स्ट्रक्चरल के अंदर ये किसका है, किसका एग्जाम्पल है, वो मैं क्या कह रहा हूँ, चेन आइसोमेरिज्म। चेन आइसोमेरिज्म क्यों, क्योंकि ये कार्बन की जो चेन है वो पहले चार कार्बन थे, अब कार्बन की चेन तीन हो गई है, यहाँ पर इसकी पेरेंट चेन में डिफरेंट आ रहा है, तो ये हमारी आएगी चेन आइसोमेरिज्म। मैं जो कह रहा हूँ आप समझ रहे होंगे ना, शायद समझ रहे होंगे। चलिए ये हो गया हमारा चेन आइसोमेरिज्म। अब हम देखते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो अब बात कर लेते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म की। तो पोजीशन आइसोमेरिज्म को शुरू करें, उसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी, दोस कंपाउंड विच हैव से मालिकुलर फार्मूला, ये तो सब में बट डिफरेंट किस में होगा, ये क्या है पोजीशन आइसोमेरिज्म। तो डिफरेंट किस में होगा, पोजीशन यानी पोजीशन, किसी पोजीशन डबल बॉन्ड या फिर कोई फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में डिफरेंट होगा। तो विच है दोस कंपाउंड विच है सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट, मल्टीपल बॉन्ड या फिर और करके लिखिए, लिख सकते हैं आप फंक्शनल ग्रुप, आर कॉल्ड पोजीशन आइसोमर एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज पोजीशन आइसोमेरिज्म। इसको हम एग्जाम्पल है देखते हैं, लिखते हैं CH3 CH2 CH2, यहाँ पर हम फंक्शनल ग्रुप लेते हैं एक OH। तो ये हमारा क्या है, एक दो तीन प्रोपोनॉल या फिर प्रोपेनॉल, वन प्रोपेनॉल, कई तरह है नाम को कहने के। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला करें, एक दो तीन कार्बन C3, हाइड्रोजन तीन दो पाँच दो सात एक आठ, हाइड्रोजन 8 हो गए और ऑक्सीजन 1 है, ठीक है। मालिकुलर, अब इसकी डिफिनेशन क्या है, मालिकुलर फार्मूला सेम हो बट उसकी जो स्ट्रक्चरल में तो स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, लेकिन अब ये पोजीशन आइसोमेरिज्म में तो इसमें किसी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होगी। ये हमारा है फंक्शनल ग्रुप, तो इसकी पोजीशन अभी है 1 पर, तो इसकी पोजीशन अगर हम उठाकर कर दें यहाँ 2 पर, तो इसकी पोजीशन चेंज हो जाएगी, तो मालिकुलर फार्मूला सेम हो जाएगा और स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो जाएगा, तो ये हो जाएगी हमारी पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये हो जाएगी CH3 CH और ये हो जाएगा CH3 और यहाँ पर आ जाएगा OH। अब अगर आप देखें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है क्या, एक दो तीन कार्बन है, ठीक है तीन कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ पर, 8 हैं, तीन चार पाँच, पाँच तीन आठ, और ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन है, ठीक है। अभी आपको ये लग रहा होगा यहाँ पर दो हाइड्रोजन है, यहाँ पर मैं एक हाइड्रोजन क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर कार्बन की वैलेंसी देखिए, एक दो, यहाँ पर दो हाइड्रोजन है तो चार वैलेंसी, अगर यहाँ पर देखिए एक दो तीन चार, तो कार्बन की वैलेंसी चार होती है ना, ये मैंने वैसे ही बता दी। पोजीशन आइसोमेरिज्म में क्या होगा, इस OH ग्रुप यानी फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन चेंज होगी, ये 1 पोजीशन पर था, यहाँ पर ये आ गया, अब ये 2 पोजीशन पर, इसकी पोजीशन अब फंक्शनल में क्या होगा, ये हमारा फंक्शनल है अभी, यहाँ पर आपको ये लगा फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होगा, फंक्शनल ग्रुप चेंज होगा। तो इसकी डिफिनेशन क्या हो जाएगी, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, दोस कंपाउंड विच हैव सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, जैसे कि हमारा कोई भी फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होना चाहिए, आर कॉल्ड फंक्शनल आइसोमर एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो फंक्शनल आइसोमेरिज्म किस तरह से डिफरेंट होगा, मैं आपको वो एक एग्जांपल दिखाता हूँ, CH3 CH2 CH2 CH3। तो यहाँ पर इसका अगर आप फार्मूला लिखें, मालिकुलर फार्मूला, एक दो तीन चार कार्बन हो जाएंगे C4 कार्बन, तीन दो पाँच दो सात तीन दस, हाइड्रोजन 10 हैं,
और ऑक्सीजन एक, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, इधर भी एथाइल इधर भी एथाइल, तो ये हो जाएगा डाई एथाइल। और ये फार्मूला किसका होता है, अगर ये मान लीजिए R, ये O, ये R, तो ये होता है ईथर, तो ये हो जाएगा डाई एथाइल ईथर। अब फंक्शनल ग्रुप चेंज हो, किस तरह से फंक्शनल ग्रुप हो, देखिए यही है ना आपका O फंक्शनल ग्रुप, अब इसको आपको चेंज करना है, ठीक। तो यहाँ पर हमारा फंक्शनल ग्रुप यही है ना ऑक्सीजन, तो हमारा फंक्शनल ग्रुप चेंज होना चाहिए। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप ऑक्सीजन है, तो अगर हम फंक्शनल ग्रुप को OH बना दें, यानी कि अभी ये O है, ये हो जाए OH, तो क्या होगा, CH3 ये हो जाए CH2, सिंगल बॉन्ड CH2, ये भी CH2, ये OH, ये हो गया हमारा डाई एथाइल ईथर। अब हम इस फार्मूले को अगर हम इस तरह से स्ट्रक्चर बनाएंगे, इस वाले फार्मूले को इस तरह से, तो भी हमारा देखिए यहाँ से 1, 2, 3, 4, C4, 3, 2, 5, 2, 7, 2, 9, 1, 10, 10 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। और इससे स्ट्रक्चर ये बना और ये बना, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप ये था और इसमें फंक्शनल ग्रुप अब ये है, तो फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट हो गया, तो ये हो जाएगा हमारा फंक्शनल, ये हो जाएगा हमारा फंक्शनल आइसोमेरिज्म, ये हो जाएगा इसका एग्जांपल। इसका नाम हो जाएगा 1, 2, 3, 4 ब्यूट वन ऑल, 1-butanol भी कह सकते हैं आप। ये हो गया हमारा, अब देखते हैं मेटामेरिज। अब देखिए यहाँ तक तो आपको एकदम आराम से डेफिनेशन बन जा रही थी, अब मेटामेरिज में आएगी थोड़ी सी, अब देख लेते हैं मेटामेरिज में क्या है। सबसे पहले हम उसको पहले एग्जांपल सही देखें, तब उसकी डेफिनेशन देखेंगे। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पर जो हमारा पहले वाला एग्जांपल था वही है, CH2 यहाँ पर O, CH2 CH3। मेटामेरिज में क्या हो रहा है, दोस कंपाउंड विच हैव सेम मालिकुलर फार्मूला, तो सब में सेम होगा, सेम मालिकुलर फार्मूला बट डिफरेंट नंबर ऑफ कार्बन एटम ऑन देयर फंक्शनल ग्रुप। ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है, इसकी साइड के या तो इधर वो हमारा, ये हमारा फंक्शनल ग्रुप है। अब इसके इधर या तो इधर कार्बन की जैसे इधर कार्बन दो है और इधर कार्बन दो है, इसकी कार्बन की चेन में डिफरेंट आए, तो उसे हम कहेंगे मेटामर, एंड दिस फेनोमेना इज नोन एज मेटामेरिस। और इससे पहले फंक्शनल में क्या था, यहाँ पर ओ था तो ये पूरा फंक्शनल चेंज हो रहा था, यहाँ पर OH हो जा रहा था, लेकिन अब मेटामेरिज में क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा बट फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड जो कार्बन है, इन दोनों की कार्बन की जो चेन है इसमें डिफरेंट आएगा। कैसे आएगा वो देखिए, अगर यहाँ लिखेंगे आप CH3 CH2 ये CH2 ये O ये CH3, इस तरह से भी तो हो सकता है ये फार्मूला। यहाँ पर ये था डाई एथाइल ईथर, और यहाँ पे क्या है मिथाइल प्रोपाइल ईथर, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या है, C4 3, 2, 5, 10 O, इसमें भी वही होगा C4 3, 2, 5, 2, 7, 3, 10 O, तो ये हो जाएगा हमारा मेटामेरिज। तो अब हम देखते हैं हमारा टर्टोमेरिज में क्या कहता, टर्टोमेरिज में हम देखते हैं पहले इसकी डिफिनीशन, तो इसकी डिफिनीशन क्या हो जाएगी, दोस कंपाउंड विच हैव, इसकी डिफिनीशन थोड़ी अलग है, दोस स्ट्रक्चरल आइसोमर विच आर रीडली इंटरकन्वर्टेबल आर नोन एज टाटोमर एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज टाटोमेरिज। तो देखते हैं क्या इसके एग्जाम्पल थे, CH3 सी डबल बॉन्ड ओ CH3 इधर क्या कह रहा है, ये स्ट्रक्चर जो भी है ये आसानी से इंटरकन्वर्ट हो रहा है दूसरे स्ट्रक्चर में, तो इसे हम कहते हैं क्या है, टाटोमेरिज। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख लें, 1, 2, 3 C3 हाइड्रोजन कितना है 3, 3, 6 और ऑक्सीजन एक है, ठीक है। अब ये रेडली इंटर कन्वर्टेबल, ये आपस में कन्वर्ट हो रहा है, जैसे कि ये ऑक्सीजन के पास ये है
और उसके पास ये वाला बॉन्ड इधर मूव हो जाए और ये वाला बॉन्ड ऑक्सीजन ले ले, तो ऑक्सीजन पर आएगा माइनस, इस पर आएगा प्लस, और ये जाकर एस से लग जाएगा, और इस जगह वो जाकर ओ से लग जाएगा, ये हमारा था कीटोन। अब बनेगा यहाँ पर एनॉल, CH3, ये सी, ये हो जाएगा OH, ये फिर से इधर सी, ये ओ, ये उधर लग गया, बाकी ये दोनों एच ऐसे ही है, और डबल बॉन्ड यहाँ पर आ जाएगा। अब ये वाला फिर से वैसे ही इंटर कन्वर्ट हो जाए, ये वाला बॉन्ड इधर, और फिर से ये वाला बॉन्ड इधर आकर, ये वाला फिर इधर आएगा, फिर ये हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगा। अगर इससे आप करें इस पर आएगा माइनस, तो ये माइनस प्लस, हाइड्रोजन पर आएगा प्लस, ये प्लस आकर इस माइनस से जुड़ जाएगा, फिर से ये बन जाएगा, ये आपस में आसानी से इंटर कन्वर्ट होते रहेंगे, ये हमारे साथ कीटोन, ये हो जाएगा एनॉल। कीटो एनॉल टाटोमेरिज्म तो आपने पहले ही पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, ये हो गया हमारा टाटोमेरिज्म। देख लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल हम अब इस स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म का। चलिए पहले एग्जाम्पल लेते हैं, इधर लिखते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला, इधर हमारा स्ट्रक्चरल फार्मूला। तो स्ट्रक्चरल फार्मूला हम लिखते हैं सबसे पहले CH3 CH2 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 CH3। तो इसका हम मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख लें, 1 2 3 4 5 कार्बन है, 3 2 5 2 7, 3 10 12 हाइड्रोजन है। तो अब हम ये हमारा ये हो गया मॉलिक्यूलर फार्मूला, ये हो गया स्ट्रक्चरल फार्मूला, ये हमारा एग्जांपल ठीक पहला। तो अब हम इसमें कुछ इस फार्मूले से हम कुछ और स्ट्रक्चर किस तरह से बना सकते हैं उसको हम देखें, CH3 CH2 CH2 इस CH3 को अगर हम यहाँ पे लगा दें, यहाँ पर हो जाएगा ये CH3, और ये वाला हो जाएगा अभी ये भी CH3, 1 2 3 4 5 कार्बन, और हाइड्रोजन की गिनती करें, 3 3 6 6 2 8 2 10 दोबारा 13, कहीं ज़्यादा हो रहा है, यहाँ पर एक हाइड्रोजन होगा ना, तभी वाले से पूरी होगी, 1 2 3 एक हाइड्रोजन, 7 4, तो ये हो जाएगा एक दूसरा स्ट्रक्चर ये। अब तीसरा स्ट्रक्चर हो जाएगा CH3 CH CH3 CH3, इधर भी CH3। तो इस तरह से आपको ये दिख रहा है, तो आपको ये बताना है कि ये अब कौन सा स्ट्रक्चरल आइसोमर है, कि स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है कि नहीं। तो सबसे पहले क्या देखेंगे आप, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सबका सेम है ठीक है, तो स्ट्रक्चरल फार्मूला देखेंगे, यहाँ पर स्ट्रक्चर एक कार्बन चेन, एक लंबी चेन है, 1 2 3 4 5 कार्बन की लंबी चेन है, और यहाँ पर देखेंगे 1 2 3 4, यहाँ पर कार्बन की चेन थोड़ी सी कम हो गई, यहाँ पर 5 थी यहाँ पर 4 हो गई ठीक है, और यहाँ पर एक कार्बन यहाँ पर आ गया, और अगर आप नंबरिंग करें यहाँ पर 1 2 3, यानी कि ये पेरेंट चेन, हमारे पहले पेरेंट चेन लंबी वाली जो उसमें 5 कार्बन थे, फिर दूसरे वाले में 4 हैं, तीसरे वाले में 3 कार्बन है। तो इसमें क्या लग रहा है कि ये स्ट्रक्चरल आइसोमर तो है स्ट्रक्चरल, क्योंकि इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट इसका स्ट्रक्चर जो है वो डिफरेंट आ रहा है। लेकिन अब स्ट्रक्चरल में ये कौन सा है, स्ट्रक्चरल में भी हमारे 5 टाइप के हैं ना, चेन आइसोमर, पोजिशन, फंक्शनल, मेटा, टाटोमेरिक। तो मैंने अभी बताया है कि सबकी डिफिनीशन आपको पता होगी, तब आप इसको पता कर पाएंगे कि ये कौन सा स्ट्रक्चरल आइसोमर है। तो ये है हमारा चेन आइसोमर, क्योंकि चेन आइसोमर की डिफिनीशन के अकॉर्डिंग उसकी जो पेरेंट चेन है उसमें डिफरेंट आएगा, पेरेंट चेन की कार्बन के पेरेंट चेन में डिफरेंट आएगा। यहाँ पर कार्बन की पेरेंट चेन जो है उसमें 5 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 3, ये है नॉर्मल पेंटेन और ये है आइसो पेंटेन, और ये हमारा नियो पेंटेन, और ये हमारा जाएगा चेन आइसोमेरिज्म में ठीक है। इस तरह से हम पता कर सकते हैं, अगर हमारे पास ये फार्मूला दिया हो तो हम इससे ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं, इस तरह का बनता है, कितने टाइप का, ये इस तरह का बन सकता है, हम इस तरह से बनाकर हम देख सकते हैं कि उसमें कौन सी स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में कौन सा किस टाइप का ये हमारा, जैसे कि हमारा चेन आइसोमेरिज्म में ठीक है। अब हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल टू, चलिए दूसरा हम देखते हैं दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ पर CH3 CH2 CH2 Br, नंबरिंग कर लें हम इसकी 1 2 3, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख लें, 1 2 3 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 2 5 2 7 है, और एक Br है। तो अगर आप
ये आपको ये मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है, तो आप एक इससे स्ट्रक्चर ये बना सकते हैं। दूसरा क्या बना सकते हैं, CH3 CH2, ये पहली पोजीशन पे लगा, इसको उठाकर दूसरी पोजीशन पे आप लगा सकते हैं यहाँ पर, और ये वाला हो जाएगा CH3 और ये हो जाएगा CH। मॉलिक्यूलर फार्मूला देखेंगे आपकी सेम रहेगा, ठीक है। तो ये अब ये हमारी कौन सी, ये हमारा का देखने में तो आपको पता चल जाएगा कि ये मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम, स्ट्रक्चर डिफरेंट, ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है। लेकिन अब आपको ये पता करना है कि ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी कौन सा, स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म भी हमारे पांच तरह के मैंने बताए हैं, तो उसमें से ये कौन सा है। तो चेन आइसोमेरिज्म है क्या, कार्बन, देखिए कार्बन की चेन हमारी क्या थी, तीन थी, यहाँ पर 1 2 3, कार्बन चेन में तो कोई फर्क नहीं पड़ा, ये तो तीन थी, तीन है, तो ये वाला हमारा नहीं होगा। अब हम देखते हैं पोजीशन आइसोमेरिज्म। पोजीशन आइसोमेरिज्म की डिफिनेशन के अकॉर्डिंग, पोजीशन किसी भी फंक्शनल ग्रुप की जो हमारी पोजीशन है वो पोजीशन चेंज होती थी, ठीक है। इसकी पोजीशन 1 थी और यहाँ पर ये इसकी पोजीशन 2 है, तो ये हम कह सकते हैं कि हमारा क्या है, पोजीशन आइसोमेरिज्म। ये हमारा हो जाएगा, अगर इसका हम नाम देना चाहें तो 1 ब्रोमो प्रोपेन, ठीक है, इसका 2 ब्रोमो प्रोपेन हो जाएगा। चलिए अभी अगर हमारे पास ये है तो इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख लें, 1 2 3 4, चार कार्बन हो जाएंगे और हाइड्रोजन, 3 4 5 3 8, हाइड्रोजन हो गए 8। अब यहाँ पर ये डबल बॉन्ड है, ये डबल बॉन्ड वाला अभी मैंने नहीं बताया है इसीलिए मैंने इसको लिया है, तो आप इसकी नंबरिंग कर सकते हैं 1 2 3 4। अगर आपको अब ये मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है, आप इसको इससे स्ट्रक्चर बनाना हो तो एक आप तो ये बना सकते हैं, और आप एक और आप क्या बना सकते हैं, ये डबल बॉन्ड जो दूसरे नंबर इधर है इसको आप इधर कर दें या इधर कर दें, दोनों से एक ही होगा। चलिए मैं इसको इधर करता हूँ, डबल बॉन्ड हो जाएगा CH2, डबल बॉन्ड CH, सिंगल बॉन्ड CH2 हो जाएगा CH3। एक दो तीन चार, 2 3 2 5 3 8, मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है, बट इसका स्ट्रक्चर देखिए, ये डबल बॉन्ड दूसरी पोजीशन पर था और यहाँ डबल बॉन्ड पहली पोजीशन पर आ जाएगा। तो ये था हमारा ब्यूट टू इन, ये हो जाएगा ब्यूट 1-ene। तो आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम है लेकिन यहाँ पर स्ट्रक्चरल फार्मूला डिफरेंट हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये ब्यूट 2-ene था और यहाँ पर ये है ब्यूट 1-ene, तो यहाँ पर स्ट्रक्चर इसका डिफरेंट हो गया। अब ये किस कैटेगरी में जाएगा, स्ट्रक्चरल फार्मूला है लेकिन अब ये जाएगा कहाँ पर, किस में, चेन में, पोजीशन में, या फिर फंक्शनल में, मेटा में, या टाटोमेरिज्म में, तो इसको आप देखिए, अगर आपको डिफिनीशन पता होगी तभी आप कर पाएंगे। कार्बन चेन पर कुछ फ़र्क पड़ा, चार कार्बन थे, चार कार्बन यहाँ पर भी है, चार कार्बन वहाँ पर भी है, तो ये चेन वाला नहीं होगा। पोजीशन, किसी कार्बन की पोजीशन चेंज हुई, किसी फंक्शनल ग्रुप की नहीं हुई, ये वाला भी नहीं है, और ये फंक्शनल ग्रुप, फंक्शनल आइसोमेरिज्म, फंक्शनल आइसोमेरिज्म अगर आप डिफिनीशन देखेंगे तो उसमें क्या होगा, फंक्शनल आइसोमेरिज्म में उसकी डिफिनीशन थी मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम लेकिन उसमें जो फंक्शनल ग्रुप होगा, जैसे कि हमारा ओ के इधर, मैंने इससे पहले वाले एग्जांपल में बताया था ओ के इधर कुछ लगा हुआ, ये ओ एक फंक्शनल ग्रुप था, अब ये फंक्शनल ग्रुप ही चेंज हो जाए, जैसे कि ये हमारा ओ था वो इससे पहले वाली जब मैंने एग्जांपल बताया था इससे पहले, तो ये ओ एच में हो गया था, यानी कि ये फंक्शनल ग्रुप पहले ओ था फिर ये हो गया ओ एच। इसकी डिफिनीशन में देखेंगे, डिफरेंट जो मैंने कहा बताया था, डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप या फिर कोई मल्टीपल बॉन्ड, तो ये हमारे उसकी डिफिनीशन के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर मल्टीपल बॉन्ड का डिफरेंट हो रहा है। यहाँ पर पहले दूसरी पोजीशन पे था 2-butene था, ब्यूट 2-ene था, और यहाँ पर ब्यूट 1-ene आ रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा फंक्शनल आइसोमेरिज्म में, ये जाएगा हमारा तीसरे वाले में फंक्शनल आइसोमेरिज्म में, ठीक है। दूसरा हम लिखते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3। इसका अगर आप फार्मूला लिख लें, मॉलिक्यूलर फार्मूला, 1 2 3 4 कार्बन है, हाइड्रोजन 3 2 5 3 8 है, और ऑक्सीजन 1 है। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ा लें, अगर CH2 CH3 कर लें तो क्या हो जाएगा, 3 2 5 2 7 3 10, ये हो जाएगा हमारा 10। चलिए अब आप क्या करेंगे, मान लीजिए आपको ये मॉलिक्यूलर फार्मूला दिया है, इससे आपने एक स्ट्रक्चर ये बना लिया, और आप दूसरा स्ट्रक्चर क्या बना सकते हैं, यहाँ पर CH3 CH2 CH2 CH3, 1 2 3 4 5
यहाँ पर कार्बन पाँच है ना, तीन दो पाँच, पाँच दो सात, तीन दस, ऑक्सीजन एक, तो आप दूसरा स्ट्रक्चर ये बना सकते हैं। अब ये देखिए, ये हमारा अगर हमारा कोई ग्रुप है, इसके इधर एक कार्बन है और इसके इधर तीन कार्बन है, और वही ग्रुप आपको हम इधर ये कर दें, इधर दो 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 कार्बन चेन इधर, दो कार्बन की चेन इधर आ जाए, तो ये हमारा किस में जाएगा, ये हमारा जाएगा मेटामेरिज्म में। मेटामेरिज्म की अगर डेफिनेशन आप पहले से पढ़ेंगे तो मिलाकर देखेंगे आपको, तो वही होगा, क्योंकि जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है उसके अगल बगल की जो कार्बन, अगल बगल वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, तो उसमें चेंजेस आए, उसकी नंबरिंग में चेंजेस आए। जैसे इधर वन कार्बन है, इधर थ्री कार्बन थे, इधर भी अब इधर भी दो कार्बन है, इधर भी दो कार्बन है, तो ये जाएगा हमारा मेटामेरिज्म में। अब एक और बचा है टारोमेरिज्म, इसका भी एक एग्जांपल हम और देख लें। तो इसकी डिफिनीशन क्या थी, ये इजीली इंटर कन्वर्टेबल है, मतलब ये आसानी से ये आपस में कन्वर्ट, कीटो से एनाल, एनाल से कीटो, टर्मेराइजेशन आपने पढ़ा है होगा थोड़ा बहुत, तो ये वैसे ही होता है। जैसे कि ये बांड है, ये इधर मूव करेगा और ये वाला इधर मूव करेगा और ये वाला इधर मूव करेगा, तो इस पर आएगा माइनस, ये हाइड्रोजन आकर इससे लग जाएगा। यहाँ पर यान और हाइड्रोजन आकर लगेगा इससे, और एक डबल बॉन्ड आएगा यहाँ पर, और एक डबल बॉन्ड यहाँ पर है, और यहाँ पर हो जाएगा ये डबल बॉन्ड ओ, और ये वापस भी ऐसे हो जाएगा, ये वाला बॉन्ड इधर, ये वाला बॉन्ड इधर, ये वाला बॉन्ड इधर, इस पर आएगा माइनस, तो हाइड्रोजन जाकर फिर इससे वापस लग के आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, टाटोमेरिज्म। जब हमारा कीटो से एनॉल बनता है, एनॉल से कीटो बनता है, तो हमारा होता था उसमें टाटोमेराइजेशन, तो उसी से हमारा ये हो जाएगा टाटोमेरिज्म। ठीक है, मॉलिक्यूलर फार्मूला आप यहाँ से लिख सकते हैं काउंट करके, कार्बन कितना है, कार्बन ये हो सब तो सेम है, बस यहाँ से हाइड्रोजन आकर यहाँ पर लगा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर में डिफरेंट आएगा, ये हो जाएगा हमारा स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म, या एक दूसरे में कन्वर्ट हो रहा है, तो ये हो जाएगा हमारा टाटोमेरिज, और मॉलिक्यूलर फार्मूला आप यहाँ पे लिख सकते हैं। जैसे कि मैंने पहले ये सब बता दिया था, तो फिर से ये बताने का क्या मतलब था, तो मैं पूरा क्लियर करना चाहता था कि अगर आपको सिर्फ इस तरह से दिया हो तो किस तरह से करेंगे। ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 5, तो आपको देखकर पहचानना भी आना चाहिए कि अगर ये स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म है, तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म किस टाइप में है, तो ये सब मैं दिखाना चाह रहा था। तो स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में ये हो गई हमारा ख़त्म। ठीक है, तो स्टीरियो आइसोमेरिज्म अगर अभी बताने लगूँ तो बहुत लंबी हो जाएगी वीडियो, तो मैं इसको अगली वीडियो में बताऊँगा। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में आपके लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए मैं इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।